और ये एक मजे की बात है। सुबह सुबह नाश्ता मिले तो क्या है यार? तो बहुत अच्छा यूनिक लगती है बहुत। बाय। स्विच ऑफ हो गया और मुझे मालूम ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिकास कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल। तो आज ब्रेकफास्ट से ही हमारे व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं राइस शीला बना रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। आप जरूर ट्राई कीजिए। एक कप चावल का आटा है, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप सूजी रवा, इसका मीडियम घोल बनाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी रहनी चाहिए। ये मैंने एक प्याज काटा है, ये 2 से 3 हरी मिर्ची ले रही हूं। अब इसमें ये 3 हरी मिर्ची जो कटी हुई है वो डाल रही हूं। हरी मिर्ची कटी डाल दी है, ये प्याज डाल दिया है और ये कोरिएंडर लीव्स डाल देना है। थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रही हूं, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक। इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ये देखिए तवा गर्म हो गया था, उसमें मैंने इस तरह से बस फैला दिया, डाल दिया। मैं ज्यादातर इस तरह का ही उत्तपम या चीला जो है बनाती हूँ। फटाफट भी बनता है और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। तो बस तवे में इस तरह से फैला देना, डाल देना चम्मच से। साइड से थोड़ा तेल छोड़ देंगे और इसे अभी होने देना, ढक के रख देंगे। तो ये रेडी हो गया है। तो चलो अब ये मिस्टर जी को दे दिया जाए। लीजिए सर जी, लीजिए मिस्टर जी, गरम गर्मा गर्म राइस चीला खाइए और बताइए कैसा लगा। वैसे तो एज यूजल अच्छा ही लगेगा। ये भी हो गया, तो गैस बंद करती हूँ। चलो ये भी दे देती हूँ मिस्टर जी को, गर्मा गर्म तवे से निकला हुआ। हाथ हटाओ, बोलिए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा बना, टेस्टी बना, एकदम बढ़िया बना है। ओके, एकदम मस्त। ऐसा सुबह सुबह नाश्ता मिले तो क्या है, आदमी की तबीयत ही हमेशा ही मिलता है ना। हो जाए तुम्हारी तबीयत देख के मालूम ही पड़ता है। ये अक्षु को भी देना था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे दो तवा रख दिया है। एक यहाँ बना रही हूँ और एक ये दूसरे तवे में डाला है, तो भी बन गया। चलो अभी अक्षरा को भी दे देती हूँ। ये सॉस के साथ भी दे सकते हो, हरा चटनी। मेरे पास हरा ग्रीन चटनी थी, मैंने देने का याद ही नहीं आया, मुझे फ्रिज में रखा था। ये अक्षु, अक्षु तुला ग्रीन चटनी दो, ग्रीन चटनी है आइटम अभी। हाय बोल दे मेरे व्यूअर्स को। हमारी खाने की बिल्कुल इच्छा है नहीं अभी, पर मम्मी ने बहुत टेस्टी सा बनाया, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि खा ही लेती। तो खा ही ले बेटा, गर्मा गर्म मस्त। और अक्षरा के पीछे जो सेव दिख रहा है ना, देखो वो ना कौवे के लिए मैं, क्योंकि वो शेव खाए बिना जाता नहीं, तो मैंने वहीं पर डब्बे में भर के रख दिया है। दिखाती हूँ देखो पास से आपको। तो ये मेरे को मिस्टर जी पूछते हैं, वहाँ डब्बे में शेव क्यों रखा तूने, तो उनको बता रही हूँ मैं। अक्षरा कैसा लग रहा है बेटा, चल बैठ दे। टेस्टी, ऐसा लग रहा है मेरी भूख वापस बढ़ गई और मैं और खा सकती हूँ, ऐसा लग रहा है। ओके खा ले। और अक्षरा के पीछे जो शेव दिख रहा है ना, देखो वो ना कौवे के लिए मैं, क्योंकि वो शेव खाए बिना जाता नहीं, तो मैंने वहीं पर डब्बे में भर के रख दिया है। दिखाती हूँ देखो पास से आपको। तो ये मेरे को मिस्टर जी पूछते हैं, वहाँ डब्बे में शेव क्यों रखा तूने, तो उनको बता रही हूँ मैं। अक्षरा कैसा लग रहा है बेटा, चल बैठ दे। टेस्टी, ऐसा लग रहा है मेरी भूख वापस बढ़ गई और मैं और खा सकती हूँ, ऐसा लग रहा है। ओके खा ले। तो चलिए टिफिन भी रेडी है, दे दिया जाए मिस्टर जी को। अक्षरा घे ले लो। बाय 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 बाय, चल बाय अक्षु, बाय।
हाँ चल भाई टिफिन कुठे मस्त दिसते टिफिन कुठे ड्रायव्हरला दिलं तो घेऊन गेला खाली पाण्याची बॉटल दिली यस यस चल ओके बाय चल सी यू मम्मी जिंदा भाई हाँ बाय अभी मैं रानी अपने घर की बाय बाय अक्षु बाय बाय मिस्टर जी बाय मिस्टर जी लेट हो रहा है बाय बाय चलो चलो अब आज के दिन भर की क्वीन हूँ मैं अकेले डब्बा वगैरह हो गया बाकी का काम कर लेती हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू राधिकास कुक एंड लाइफस्टाइल मैं हूँ राधिका पाटिल और आई होप आप सभी खुश होंगे मस्त होंगे इस आशा के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं इवनिंग से ही नाइट से मतलब ये व्लॉग की शुरुआत करी ब्रेकफास्ट तो आपने देख लिया था फिर ना मैं टिफिन नहीं दिखाई क्योंकि मुझे इवनिंग का आज का डिनर दिखाना था स्पेशल डिनर और टिफिन में इनको लेट भी हो रहा था तो मैं फटाफट कर ली क्योंकि वीडियो के चक्कर में तो लेट हो जाता अगर मुझे रेसिपी की टिफिन का रेसिपी दिखाना है मतलब वीडियो दिखाना है तो मुझे जल्दी करना पड़ता है तो फिर मैंने सोचा जाने तो शाम का तो मुझे डिनर दिखाना है ये थाली तो वो दिखाऊंगी और आज इतनी मजे की बात होगी मैं जाने के बाद में पूजा पाठ ये वो सब करते करते टाइम हुआ उसके बाद में एडिटिंग करना एडिटिंग को कम से कम 3 से 4-5 घंटा लग ही जाता है यार एडिटिंग करना वो टैग डालना वो उसको पोस्ट करना तब तक पूरा सब करते कुराते तक ना मेरे को 5 घंटे लग जाते हैं लग ही जा रहा है मतलब मैं ऐसे पहले जब एडिटिंग करती थी एक दिन पूरा लेती थी क्योंकि मैं ऐसे रेगुलर कुछ डालती नहीं थी ना बाप रे अभी बर्थडे है ना कि 6:30 बजे मुझे डालना ही है तो वो डाल के करके फिर मैं भगी कहाँ मंदिर भगी तो मेरा मजा एक ऐसा हो गया कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और मुझे मालूम ही नहीं वहां जाके फिर मैं बोली आप लोगों के लिए क्लिप निकालूंगी तो देखती हूँ तो मोबाइल ही स्विच ऑफ है तो छोड़ो फिर कभी जाऊंगी तो आपको जरूर क्लिप दिखा दूंगी मैं तो अभी आके मुझे 7:30 बज गए देखो 7:40 हो गया है तो अब मैं क्या बनाऊं इतने लेट में रेसिपी क्या क्या बनाऊंगी क्योंकि रेसिपी वीडियो शूटिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता है तो इसलिए मैं एकदम सिंपल और ईजी और एकदम डिलिशियस रेसिपी बनाने वाली हूँ जो मेरी अक्षरा को बहुत पसंद है मिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब खा लेते हैं ऐसे मन मार के लेकिन ऐसे दिल से पसंद नहीं करते हैं वो है दाल ढोकली मेरी अक्षरा की फेवरेट है उसके सामने बहुत सारे डिलीशियस खूब सारी चीजें रख दो और ये दाल ढोकली रख दो ना वो दाल ढोकली खाएगी हमारे यहाँ वरण वड़ी बोलते हैं दाल वड़ी वो बनाने वाली है मेरे तरीके से बहुत डिलीशियस बनता है बहुत टेस्टी बनता है गाइस आप जरूर बनाइए आपको कभी कभी जल्दी रहेगी और पेट भर के खाना है और परिपूर्ण खाना खाना है ना तो दाल ढोकली इज नंबर 1 है तो चलो बनाते हैं। और ये एक मजे की बात है ये देखिए मैंने मेरा वीडियो चालू किया है क्योंकि ना वीडियो तो डाल दिया मैंने लेकिन ना मुझे वीडियो देखने को टाइम ही नहीं मिलता मैंने 2 दिन का वीडियो जो मतलब एडिटिंग करते समय जो देखती हूँ बस वही ऐसे खुद से यूट्यूब में मोबाइल में देखने को टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ ना इतना हैक्टिक टाइप का हो गया है ना पता नहीं कैसे होगा वही सोच रही मैं तो मैंने यहाँ चालू किया मैंने चल थोड़ा बहुत वीडियो भी देखूंगी लहसुन वगैरह साफ करते तक तो आप भी जरूर देखिएगा इस वीडियो में बने रहिए 6:30 इवनिंग को मेरा वीडियो आएगा थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया था आज तो लेकिन आएगा ही आएगा वीडियो में कोशिश करूंगी कि वीडियो डालू ही तो देखिए बने रहिए वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रोज इवनिंग डेली व्लॉग है 6:30 चलिए किचन में चलते हैं और मेरा जो दाल वड़ी है वो कैसे बनाना है वो देखते हैं रेसिपी ये 1 कटोरी दाल ले रही हूं मैं तुअर दाल है इसी में थोड़ा मूंग दाल डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून डाला है मूंग दाल और तुअर दाल मिक्स करके बनाने से ना बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है बहुत टेस्टी लगता है इसे पानी डाल के इसको पकाने को रख रही हूँ 2 टमाटर डाल रही हूँ फिर उबालते से मैं इसमें हींग भी डालना है कि 3 सीटी की मैंने गैस बंद कर दिया अभी दाल पूरी पक गई होगी अच्छे से आटा ले लिया इसमें थोड़ा नमक थोड़ा तेल डालेंगे नॉर्मली अपन जो आटा मलते हैं गूंथते हैं बस वैसे ही सॉफ्ट आटा मल लेना है गूंथ लेना है तो देखिए ऐसा सॉफ्ट एकदम आटा मैंने लगा लिया है बहुत ही सॉफ्ट है इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और रख देंगे साइड में और अभी जब तक दाल की जो फ्राई करना है उसकी तैयारी करते हैं दाल फ्राई करने के लिए जो मसाला बनाना है उसके लिए ये 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है थोड़ा सा अदरक लिया है
दो से तीन टुकड़े देखे छोटे छोटे, और 1/4 टीस्पून जीरा लिया है, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लिए, इनको पीस लेना है। तो मैं तो ये जो मेरा छोटा सा खलबत्ता है, इसे क्या कहते हैं, खलबत्ता ही कहते हैं ना, इसमें पीसने वाले से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं। दाल पूरी बन गई, पक गई है, इसको थोड़ा घोट लेती हूँ। पैन लिया है, उसमें थोड़ा तेल डाल दे रही हूँ, तेल गर्म हो गया है, इसमें राई और जीरा डालना है। 1/2 टीस्पून राई और जीरा डाले, ये 4 से 5 हरी मिर्ची काट ली है, ये डाल रही हूँ, और ये करी लीव्स है, 3 मीडियम साइज के प्याज है बारीक काटे हुए। अब ये जो मसाला पिसा था वो डालना है, ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला एवरेस्ट का, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तीखा आप आपके तीखे के हिसाब से डालिए। इसमें अभी जो टमाटर थे ना दाल में, पहले वो डाल दे रही हूँ, पिस गया है वैसे तो मेरे से, लेकिन जो भी थोड़ा है पहले वो डाल देंगे। अब दाल डाल देना है, एक कुकर में पानी डाल दिया है, दाल अभी थोड़ी गाढ़ी है तो पानी और डाल रही हूं मैं, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और ये थोड़ा गुड़ का ढेला डाल रही हूं मैं, गुड़ डाल रही थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। तो आटा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब ये जो दाल उबल रही है, तब तक दाल ढोकली का जो ढोकली बनाना है, मतलब जो आटे के बर्फी बनाते हैं वो कर लेते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं बस वैसे ही रोटी बनाना है। थोड़ा सा बड़ा जाड़ा लिया, मोटा लिया मैंने थोड़ा सा आटा, बड़ी सी रोटी बनानी है शंकरपाला के लिए, लिखते हैं शंकरपाड़ी के लिए, वो ही चक्री है ये, आप चाकू से भी काट सकते हैं। बस ऐसे कट करना है, तो पूरी कट कर लिया मैंने। तो बस इसी तरह से बना बना के दाल में डालते जाना है। तो अब ये पहला बना लिया, तो ये पहले डाल देती हूँ मैं। बस ऐसे ही पूरे जो है इसको डाल देना है इसमें, ये सब बनाते जा रही हूँ मैं। और तो ये पूरा बन के मेरा हो गया है, तो ये टाइम तो भाई उतना ही लगा उसको बेलना, फिर उसको काटना, मतलब उतना ही टाइम तो लगता ही है, खाली टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट चीज हो जाती है। तो देखिए पक रही, थोड़ा पकाना है इसे और मुझे, और फिर कोरिएंडर लीव्स डालूंगी, और फिर बस रेडी, ये बन गई है। इस पे मैंने कोरिएंडर लीव्स डाल दिए, तो चलो अब थाली से जा लेते हैं। मेरी ये डिलीशियस सी दाल ढोकली बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यूनिक लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी से स्टाइल में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, अब यही खाना मैं आज भगवान जी को भी यही भोग लगाऊंगी, आज भगवान जी को दाल ढोकली खाने का था शायद, तो चलो भोग लगाती हूँ और फिर खाना खा लेती हूँ। तो ट्राई जरूर करना, और वीडियो में 6:30 को हर रोज डेली इवनिंग में मेरा व्लॉग आएगा, जरूर देखना। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए थैंक यू।
तो ये भगवान का थाली डायरेक्ट अक्षरा को दे रही हूँ। इसका मन पसंद था, उसका मन पसंद था, इसलिए उसको ही दे रही हूँ।